हॉल, छोटा सा हॉल शेयर करूंगी। तो आज आ गया गाइस वो दिन, ऑलरेडी मेरे को 7 डेज हो गए हैं सरोजनी नगर गए हुए। सो ये जो सामान है गाइस, ये सरोजनी नगर से आया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो। सबसे पहले गाइस मैं आपको शो कराऊंगी अपनी ज्वेलरी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा और भी ज़्यादा लेने का मन करता है। तो फिर भी मैं थोड़ा कुछ ले आई, जस्ट बिकॉज गाइस कि मैं गई इसीलिए थी कि वीडियो बना सकूँ। तो इतना कुछ मुझे कुछ परचेज नहीं करना था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मेरे 5-6 हज़ार खर्च हो ही गए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो ज्वेलरी के साथ। तो मैं आपको साइड में वीडियो भी दिखा दूंगी, मैंने कुछ पहन के भी देखी थी तो मैंने उसकी क्लिप बना ली थी। तो फर्स्ट गाइस ये ज्वेलरी है, तो फर्स्टली गाइस ये वाली ज्वेलरी है, आपको मैं वीडियो साइड में चला दूंगी, इसमें और क्लियर दिखेगी ये। तो ये वाली ज्वेलरी है गाइस पर्ल वाली, आई मीन इसमें सिंगल नेक पीस है, सिंगल नहीं आई मीन इसके साथ इयर रिंग्स भी है। तो वैसे इसको आप जब भी वियर करेंगे, तो जैसे वेस्टर्न ड्रेस के साथ करें तो आप इस तरह के सिंगल ही वियर करेंगे। इयर रिंग्स थोड़े से लॉन्ग है, तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन इसके साथ आई मीन वेस्टर्न ड्रेस के साथ इयर रिंग्स और ये नेकलेस दोनों मैच नहीं करेगा। तो आप इस तरह के इयर रिंग साड़ी वगैरह सूट वगैरह के साथ पेयर अप कर सकते हैं, मैंने नहीं किए वीडियो में। तो ये गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके प्राइस की बात करें गाइस तो 100 रुपीज़। इसमें जो ज्वेलरी गाइस मैंने वीडियो में डाला था अभी कि जो बॉक्स ज्वेलरीज हैं, बॉक्स में रखी हुई ज्वेलरीज हैं, वो केवल 100 रुपीज़ में है। तो अभी ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है कुछ, लेकिन ये सारे एज इट इज ही हैं, एक साथ ही हैं। सो गाइस ये है पहली ज्वेलरी, आई मीन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी, लेकिन फिर भी ज्वेलरी देख के मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे घर का सामान लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन कपड़े में कम लेती हूँ, मतलब इनकी कंपैरिजन में वैसे बहुत लेती हूँ। तो ये वाली चीज़ें मैं ज़्यादा लेती हूँ, घर की चीज़ें हुई, ज्वेलरी हुई, सैंडल्स हुई, ये मैं ज़्यादा परचेज करती हूँ। तो पहली ज्वेलरी ये है गाइस। सेकेंड नेक पीस है ये वाला। तो ये वाला नेक पीस गाइस मुझे काफ़ी पसंद आया, ये इस तरीके से साइड में मैंने वीडियो चला दिया है, इस तरीके से आप इसको थोड़ा लूज करके भी पहन सकते हैं एंड चोकर टाइप में भी पहन सकते हैं। तो ये वाला नेक पीस सिंगल नहीं है। सो इसके साथ ये ब्रेसलेट है, सेम ही है बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ें अलग अलग हैं। ये है ब्रेसलेट इसके साथ एंड छोटे छोटे से इयर रिंग्स हैं, इसको आप सिंगल भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं किसी दिन पहनूंगी। एंड दिस रिंग, तो ये भी गाइस पूरा का पूरा मुझे इयर रिंग्स, ब्रेसलेट एंड इसके जो इयर रिंग्स है, ब्रेसलेट है, नेक पीस है और रिंग, ये चारों चीज़ें गाइस मुझे ओनली 100 रुपीज़ में मिली है। सो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना चीप ज्वेलरी एंड इसकी क्वालिटी भी ठीक है गाइस, चेन वगैरह सब कुछ अच्छी है, शाइनिंग भी है इसमें, स्टोन जो है इसमें, तो 100 रुपीज़ में क्या ही आता है, इसलिए मैं इसको भी उठा लाई। एंड इसके बाद गाइस इयर रिंग्स का गाइस मेरे पास इतना तगड़ा ह्यूज कलेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं लेके आ जाती हूँ हर बार, तो इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये वाला है गाइस 50 रुपीज़ में, तो बहुत अच्छा लगा ये मुझे। इसी तरह की गाइस वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, मतलब ये वाले जो सिल्वर ऑक्सीडाइज इयर रिंग्स होते हैं, ये 50 रुपीज़ से ज़्यादा थे ही नहीं, 100 रुपीज़ से ज़्यादा थे ही नहीं, क्योंकि जो लॉन्ग वाले होते हैं काफ़ी अच्छे, जो आपको किसी भी शॉप वगैरह पे 450, 300, 250, 200 इस तरह की रेंज में मिलेंगे, वहाँ 100 रुपीज़ में मिलते हैं एंड क्वालिटी भी सेम वही होती है। बाकी वीडियो से गाइस ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये आपके हेल्पफुल वीडियो ही है। एंड नेक्स्टली गाइस ये वाला जो है, ये बहुत मतलब 3 चेन लाइन में है, तो ऐसे मैं 2 लेके आई हूँ, 2 पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं, मुझे जिस दिन से लेके आई हूँ उस दिन से मुझे मिल ही नहीं रहे हैं वो, हो सकता है किसी पर्स वगैरह में, लेकिन खोया तो नहीं होगा, घर में से चीज़ कहाँ जाएगी। सो इस तरह का गाइस मैं इसकी भी वीडियो चला दूंगी, इस तरह 3 लेयर लाइन में है, अभी मेरे से सीधा नहीं हो रहा गाइस, आप वीडियो में देख लीजिएगा इस तरह का है और इस तरीके का है। सो ये गाइस मुझे केवल 30 रुपीज़ में मिला है, 30 रुपीज़, कैन यू इमेजिन 30 रुपीज़ में क्या आता है, एंड पहन के बहुत ही अच्छा क्लासी लुक देता है, 30 नहीं 35 में एक्चुअली मुझे 3 मिले थे 105 कुछ करके, तो एक 35 का हुआ। ज्वेलरी गाइस मैं बस यही लेके आई थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है एंड मैं जाती रहती हूँ अट्टा मार्केट, तो अट्टा मार्केट यहाँ नोएडा में है गाइस, तो मैं वहाँ जाती रहती हूँ, वहाँ से लेती रहती हूँ, फिर भी उसको लेके आना था, ये मुझे ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ले लिया। इसके बाद मैं लेके आई थी एक दो टॉप ही हैं, कहने के लिए नहीं, सच में ही एक दो टॉप ही हैं, क्योंकि मुझे टॉप ब्रांडेड में ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लोकल टॉप नहीं अच्छे लगते,
टी शर्ट्स हो, टॉप हो, ये सब मैं ब्रांड में ही लेती हूँ क्योंकि वो चलता ज़्यादा है। एंड वो कहते हैं ना कि एक बार पैसा डालो लेकिन अच्छा डालो, तो टॉप टी शर्ट्स वगैरह मैं रिलायंस से या फिर ये मॉल वगैरह से ही लेती हूँ। तो फिर भी एक दो चीज़ें डिज़ाइन लोकल जो होती है कभी कभी बहुत अच्छी भी आ जाती हैं, तो मुझे एक दो चीज़ें पसंद आई थी तो मैं साइड में वीडियो चला दूंगी। एंड फर्स्टली गाइस मैं ये इस तरह के स्किन टाइप टॉप होते हैं गाइस, तो इस तरह के टॉप मैंने पहना भी है अभी एक दो दिन पहले। तो पहले तो मुझे लगा था मैं ज़्यादा, अगर मुझे पता होता कि ये मुझे आ जाएगा तो मैं आराम से 4-5 ले आती, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये मुझे आएगा नहीं क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं सरोजनी जाती हूँ एंड जो कपड़े हैं, कई कपड़े ऐसे हैं गाइस कि मुझे लोगों को देने पड़ते हैं, वो मुझे नहीं आते। ऐसा गाइस मोस्टली मेरे को जैगिंग और टॉप्स के साथ ही होता है, तो इसीलिए मैं एक ही लेके आई और मैं पहन रही थी जब मुझे ट्रस्ट भी नहीं रहा था कि मुझे फिट हो गया एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, आप देखिएगा गाइस वीडियो में। एंड इसके बाद गाइस हाँ, इसका प्राइस तो बता दूँ, ये गाइस जस्ट 100 रुपीज़ में है। एंड इसके जो नेक्स्ट है वो है उसका, ये भी गाइस मैं साइड में वीडियो चला दूंगी, तो ये उल्टा पकड़ रखा है मैंने। सो ये गाइस शर्ट लुक का टॉप है, जॉर्जेट फैब्रिक है इसका। एंड जॉर्जेट मोस्टली ऐसा भी होता है कि जैसे चीप प्राइस में हो तो थोड़ा काटने वाला कपड़ा होता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन काटने जैसा कुछ नहीं है। तो ये गाइस ये इसका प्राइस भी आप देखें तो ये भी 100 रुपीज़ में मिला है। एंड ये शॉर्ट क्रॉप टॉप है, सॉरी शर्ट क्रॉप टॉप है, तो इसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस ये टॉप लेके आई थी गाइस मैं। एंड इसके बाद ये मुझे दिखाने के लिए गौरव ने मना किया था लेकिन मुझे कलेक्शन दिखाना था इसलिए मैं लेके आई। तो ये गाइस मैं अपने वीडियो में भी दिखा होगा कि मेंस टी शर्ट 200 रुपीज़, तो वैसे गौरव भी मेरी तरह ही क्योंकि भाई मैं ब्रांड में ले रही हूँ तो वो भी लोकल नहीं लेते हैं, वो भी ब्रांड में ही लेते हैं, तो इसलिए गाइस कि ये मुझे काफ़ी अच्छी लग गई थी। एंड वो होता है ना कि मैंने भी लिया तो तुम भी कुछ लो, तो ये वाला जो टी शर्ट है ये भी 200 रुपीज़ में है एंड काफ़ी अच्छी लगती है। कपड़ा इसका मोस्टली क्या ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह तो मिल जाती है लेकिन कपड़े में कोई कमी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड इसके अलावा गाइस ये वाली टी शर्ट है, ये उल्टी हुई है, आप बस डिज़ाइन देख लीजिए, उल्टी हो रखी है, ये तय नहीं लग रही है क्योंकि उन्होंने पहनी थी अभी। तो इसके बाद गाइस ये है ये वाली टी शर्ट, ये भी 200 में ही है, तो इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसको परचेज करने का रीज़न यही है कि मैं ले रही हूँ तो तुम भी लो, ताकि तुम घर जाके ये ना कहो कि मैं कुछ नहीं लेके आया, जोक्स अपार्ट। तो ये जो है गाइस ये भी 200 में है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको। एंड कपड़ों का हो गया गाइस यही है बस। एंड इसके बाद गाइस ये गाइस 10 रुपीज़ में स्क्रंचीज हैं, ये मेरे पास बहुत सारी है, बहुत बहुत बहुत, ये तो मेरे पास भरमार है, आई मीन कम से कम 200 होंगी, तो फिर भी मैं ये 3 उठा ला। ये गाइस 10 रुपीज़ में मिलती है वहाँ पे, तो अब भाई जितने की प्राइस होगी उतनी चीज़ चलती है। तो इसको बस ये है कि आप जब पमिंग वाली आई मीन गुद की चोटी बनाते हो तो उसमें ना यूज़ करें, सिंगल जब आप चोटी करते हो उसमें करें क्योंकि उसमें ज़्यादा इसमें वो लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा टर्न्स लगते हैं तो उसमें ये फिर फट सकती है, इसलिए इसको चोटी में यूज़ करना चाहिए। तो गाइस ये हो चुके हैं, इस साइड से हटा देती हूँ। सो इसके बाद गाइस नेक्स्टली आती है पर्स का सेक्शन, तो मैं कहीं जाऊँ और पर्स ना लेके आऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो पर्स है गाइस इसमें सिंगल चैन ही है, आई मीन एक अंदर नहीं है, इसमें अंदर भी नहीं है। ये वाला पर्स है गाइस, ये है देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी खासी चेन है इसमें एंड इसमें ऑप्शन दे रखा है जो क्रॉस करके टांगते हैं उस तरीके का भी, वो भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास सेम ऐसा पर्स है गाइस ब्लैक कलर में, एक ब्लैक में एक रेड भी है, तो रेड मैंने किसी को दे दिया था। तो ये गाइस वो वाला पर्स जो मैंने परचेस किया था बिफोर 6 मंथ, तो वो वाले पर्स जो थे गाइस वो मुझे 350 में मिले थे एंड ये वाला मुझे 250 में मिला है, तो इसको लाने का रीज़न ही यही है कि 100 रुपीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। सारे पर्स में गाइस मुझे सबसे अच्छी डिज़ाइन यही लग रही थी, आई मीन मुझे और कोई पर्स पसंद ही नहीं आ रहा था। ये मेरे पास है तो जो चीज़ मेरे पास होती है मैं उसको मोस्टली नहीं लाती हूँ, लेकिन मैं इसको ले आई क्योंकि इसका कारण सिर्फ ये है कि ये 100 रुपीज़ कम था पहले से ये रीज़न है इसका। और मैंने बाकी शॉप्स पर भी पूछा तो ये 350 में ही था, लेकिन उस शॉप पर 250 का ही मिला था, सेम चीज़ फिर भी इतना डिफरेंस पता नहीं कैसे था, और चीज़ों में वहाँ कभी इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता लेकिन इसमें था, तो मैं ले आई इसको एंड आई लाइक इट ऑल्सो।
इसके नेक्स्ट गाइस ये वाला पर्स है, तो ये शॉर्ट पर्स हो, आई मीन बड़े साइज वाले पर्स हो या छोटे साइज वाले पर्स हो, तो ये सारे पर्स गाइस वहाँ पे 250 में ही थे। तो और भी मतलब थोड़े बहुत डिज़ाइन वगैरह थी वो 250, 350 से ऊपर कोई भी नहीं था। मैन के जो पर्स बैग वगैरह होते हैं लैपटॉप वाले वो थे 500-600 जो भी है। तो ये वाले पर्स गाइस, ये वाला पर्स मुझे 250 में मिला है सिर्फ, एंड इसमें काफ़ी सारी जिप्स हैं। इसमें एक ये वाली जिप है बीच में, एंड इससे पहले भी एक ये वाली जिप है, एंड बैक साइड में इसमें कोई जिप नहीं, एक अंदर भी जिप है, तो तीन जिप है इसमें। एंड एक ये वाली जो जिप है गाइस, इसका मुझे ऐसे इस तरीके से मिला है, इसमें वो खोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, मेरी गलती है। तो इसका मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा, एंड कभी कभी ले जाने के काम आते हैं ये। तो इसके नेक्स्ट गाइस ये जो है स्टॉल ही बोल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। इस तरह की स्टॉल वहाँ पर कितने की, 50 में दो थी ये, आई मीन 50 रुपीज़ में टू, तो बहुत सही है, पर मैं एक ही लेके आई, एंड क्योंकि स्टॉल्स वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। दुपट्टे वगैरह भी मैं कुर्ते में कम डालती हूँ। सोफ़ा कवर हमारे पास 2 सीटर वाला है, तो उसके लिए गाइस ये 6 पीस थे, एंड मैंने अभी अलग नहीं किया, अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ थोड़ा। इस तरह की डिज़ाइन है गाइस, ये सॉफ्ट नेट में है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेट है इसका। तो अभी मैं इसको अलग करूँगी एंड बिछाऊंगी किसी दिन, तो आपको दिखाऊंगी। सो ये जो कुशन कवर है गाइस, ये मुझे मिले थे 5 पीस 100 रुपीज़ में। तो इनका भी काफ़ी अच्छा है, अभी मैंने यूज़ नहीं किए, यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि वॉश करने के बाद कैसे निकलेंगे, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि इससे पहले भी मैं ले चुकी हूँ, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये वाले आप इसको बस साबुन वगैरह से वॉश ना करें, इजी में या फिर सर्फ में वॉश करें तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये वाले मैं इसके साथ पेयर अप करके किसी दिन बिछाऊंगी, तो देखते हैं कैसा लगता है, पेयर करते हैं चलो। ये है गाइस 400 में, ऑफर चल रहा था, सो ये है गाइस इसका फुल लुक, तो कुछ ऐसा लुक है, अभी मैंने ये ओपन करके नहीं देखी है। सो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है गाइस, एंड शॉप पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको ओपन करके देखा था पीछे से, तो फैब्रिक भी इसका ठीक था, एंड थोड़ा बहुत इमेज का फ़र्क तो पड़ता है, इमेज में थोड़ा सा लाइटर कलर है एंड अंदर से ये डार्क है। कोई नहीं, मुझे मतलब 400 में बेडशीट मिलना, थोड़ा ब्रांड में भी है, कौन सा कुछ लिखा तो हुआ है पता नहीं क्या है, कोई लोकल ही ब्रांड है, लेकिन 400 में तो लोकल ही आएगा, लेकिन 400 में तो मैंने परचेस करना सही समझा, तो ये मैंने परचेस किया था। इसका मैंने कवर निकाल के फेंक दिया क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हमारे उसमें बेड में, तो इसीलिए मैंने इसका कवर वगैरह सब निकाल दिया, इसमें इसका कैटलॉग भी था, सब कुछ था। तो ये जो कवर, ये जो बेडशीट है गाइस, ये भी बेडशीट है, ये मैंने सिंगल दीवान के लिए ख़रीदा था, तो इसका प्राइस थोड़ा उससे ज़्यादा था, ये 450 में है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है बहुत ज़्यादा, मतलब बेडशीट पता चल जाता है छूने से कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, वो भी अच्छा है लेकिन इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर है, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा है। एंड इसके नेक्स्ट गाइस ये है, गैस करिए आप क्या है, सबको पता होगा टेबल मैट है। तो ये गाइस टेबल मैट है, डाइनिंग टेबल या फिर आप सेंटर टेबल पे भी इसको कुछ खा रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं। तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, पत्ता लुक में, लेकिन इसका प्राइस की बात करें गाइस, तो ये 100 रुपीज़ में है, एंड इसकी क्वालिटी गाइस थोड़ी सी, आई मीन मैंने बाल चेक नहीं किया था, लेकिन आके मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी जैसे कि ना आप इसको वॉश करेंगे तो थोड़ा आपको आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो ये फट सकता है। वैसे तो है तो प्लास्टिक, लेकिन थोड़ा सा फट सकता है, 100 रुपीज़ है, तो डेकोरेटिव चीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं आप, डेली यूज़ करने के लिए कुछ अच्छा सा मतलब, तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में ला सकते हैं। एंड इसके नेक्स्ट लिए गाइस ये वाला जो है, ये सेम यही डिज़ाइन है सारा, तो ये वो पीस है गाइस, वो भी 5 पीस है, एंड ये भी 5 पीस है, ये डिज़ाइन है इसमें, तो इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर है, एंड ये 150 में, नहीं सॉरी ये वाला है 250 में, ये वाला गाइस 220 में पड़ा था, उसने 250 बोला था, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट कर करके हमने 220 करवा लिया था। तो इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, फटेगा नहीं, आराम से अच्छे से वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है ये। तो ये गाइस फ्लावर पॉट, तो पहले मुझे लगा था ये जग है क्योंकि इसके साइड में बहुत सारे जग लगे हुए थे, यही बीच में इकलौता था जो कि ये फ्लावर पॉट था। तो अभी मैंने इसके लिए फ्लावर परचेज नहीं किए, ऐसे ही रखा हुआ, पहले मैंने सोचा था इसको वीडियो वगैरह बनाऊँ, फिर देखते हैं। तो ये वाला गाइस ये हमें मिला था 350 में, तो काफ़ी हैवी क्वालिटी है इसकी, एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने डाइनिंग टेबल के लिए परचेज किया था, तो
यही बस लास्ट चीज है गाइस, एंड इसको मैं संभाल के रख देती हूँ। सो इन सबके अलावा गाइस, मैंने एक सैंडल परचेज की थी जो कि मैं अपने वीडियो में शेयर करना भूल गई, तो मुझे अचानक से याद आया, क्लिप ऐड कर दी गाइस। मैंने क्लिप बना चुकी थी लेकिन मैं अपने वीडियो में इसको शेयर करना भूल गई। सो गाइस, ये जो सैंडल है ये एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर सबके साथ बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रही थी। एंड इसका जो प्राइस है गाइस ये था 600, एंड अच्छी क्वालिटी में थी, ये मैंने शॉप से ही परचेज की थी। तो रेस्ट देखते हैं ये किस तरीके की होंगी, स्केच की है ये ब्रांड, इसका स्केच है। सो गाइस, यही सारा कुछ था, एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि छोटा सा हॉल होगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी दिखा दी हैं, तो गाइस आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे इतनी छोटी चीजें भी मिलती हैं? अगर मैं ये सब चीजें नहीं दिखाती छोटी छोटी भी, तो आपको कैसे पता चलता कि इतने प्राइस में इतनी चीजें मिलती है? तो गाइस, आप यूट्यूबर हो, वीडियो बना रहे हो, तो ओरिजिनलिटी तो होनी चाहिए आपके अंदर, एंड मोस्टली सबके अंदर होती ही है। तो इसीलिए मैंने आपको सब छोटी छोटी सारी चीज़ें दिखाई कि आप भी परचेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो मुझे यूज़ की लगी वो चीज़ें मैंने परचेज की, आपको जो लगे वो आप कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।